इस सरकार में छात्रवृत्ति बंद है, पोशाक का रुपया बंद है, जो है कि स्कूल बंद कर दिया सरकार, शिक्षा को पूरा चौपट कर दिया है। यह सरकार जो है कि बच्चा का भविष्य को मार रहा है, ना स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। मास्टर लोग आता है अपना बैठ के गपशप करता है, सरकार कोई खोज नहीं करता है। ये सरकार तो युवा विरोधी है, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है। न रोजगार दे रहा है, न स्कूल में शिक्षा मिल रहा है, न किसान को जो है कि विकास हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पार कर चुका है, डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, ये सरकार निकम्मा सरकार। जी जी, गरीब के मिट्टी तेल 70 रुपये लीटर हो गया, डीजल दे रहा है डीलर। और गरीब कहाँ से लगेगा 70 रुपया से? मतलब इतना यहाँ पानी भर जाता है तो इधर जो मतलब जिलाधिकारी वगैरह है या जो भी है वो समस्या नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते। इधर का जो विधायक है, सांसद, कुछ नहीं, कोई सुनते कोई नहीं। तो ऐसे लोगों को आप वोट क्यों देते हैं? वोट क्या करें, मजबूरी कारण देना जाता है, फिर दे दिए हैं। VIP का वोट है, देंगे। अब किसको वोट देंगे? सनी जी को देंगे, मुकेश सनी को देंगे। मुकेश सनी जी, उम्मीद है कि वो काम करेंगे। हाँ, चलिए। ये बिहार का बोचा विधानसभा जिला है और ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं घर मकानों की स्थिति ये है। मतलब किस तरह से लोग रहते होंगे यार, आप लोग ये सोचिए थोड़ा, है ना। ये बिहार की स्थिति है, लोग देखिए कहाँ मतलब किस स्थिति में रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा भैया फ़ोन पकड़िए आप। जी, क्या नाम है आपका? पकड़िए भाई, फ़ोन पकड़ो ना। अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि बिहार में ये इस तरह की स्थिति है। तो क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी देवी। क्या स्थिति, मतलब ये घर मकान को सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या? ना। दिखाइए क्या स्थिति है, दिखाइए पानी की निकासी वगैरह, नल वगैरह दिखाओ, दिखाओ अंदर चलिए। पूरा इसका पानी रहता है, पानी भर जाता है पूरा। इतना इतना पानी भर जाता है तक? देखिए ये दिखा रहे हैं कि यहाँ तक, मतलब ये आप देख सकते हैं कि मेरी लगभग टांग के बराबर यहाँ तक पानी भर जाता है। तो जब इतना पानी अगर यहाँ भर जाता होगा तो ये मतलब किस तरह से रहते होंगे? आप लोग ये सोचिए जरा कितनी मतलब गंभीर स्थिति है। आप लोगों को इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जो है फैलाना चाहिए। आप लोग मकान की स्थिति देख सकते हैं कि कितनी मतलब गरीबी में सरकार मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रही है बिल्कुल भी। सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है क्या? कुछ रोजगार की आप लोग स्थिति देख सकते हैं। अंदर एक हमारी जो है बहन बैठी है, वो भी देख सकते हैं आप अंदर की भी स्थिति क्या है। मतलब कहाँ किस तरह से गुजारा करेंगे लोग, कोई निकासी नहीं है, पानी इतना इतना भर जा रहा है। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी देवी। बिंदेश्वरी देवी, क्या करते हैं आप? कुछ हो ना, कोई रोजगार नहीं है आपके ना? इनके पास कोई रोजगार नहीं है। सरकार को ये चीज जो है देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। किसकी सरकार है यहाँ? किसके सरकार? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो नीतीश कुमार जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनके दुख दर्द को समझिए। यहाँ तक पानी भरता है यहाँ, समझे? यहाँ तक नीतीश कुमार जी बोलिए कि यहाँ तक पानी भरता है। हाँ। पानी माने इतना माने रहता है, हम सब घर में रहता है, माने पानी में सुतलाता है। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। घर मकान पूरा दिखाते रहिए आप, है ना। मतलब लोग कहाँ जाएंगे? लोग बारिश अगर हो जाए, बाढ़ अगर हो जाए, हैं, और घरों के जो पानी है वो नहीं कहीं निकल पा रहा है। ये सड़क थोड़ा दिखाइए, ये स्थिति है, देख लीजिए आप लोग। जी कितना पानी भर जाता है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? कितना पानी भरता है यहाँ पे? बहुत आ जाता है, बहुत डाल हो जाता है, कहीं निकल नहीं पाता है फिर पानी? ना, किधर पानी निकले का साधन नहीं, हमरा सब कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है ना, कोई साधन नहीं। तो फिर जब पानी भर जाता है तो कैसे रहते हैं? पन्नी गार लेना आती हूँ, पन्नी गार के आती है। खाना वाना फिर कैसे बनता है? कैसे बने छे, जैसे तैसे बने छे। यहाँ मच्छर भी बहुत लगते हैं, बड़ा मच्छर। तो इधर सरकार कोई दवाई वगैरह नहीं छिड़का? नहीं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं शर्माइए मत, बताइए माइक पे, बताइए क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? कहते कहो जी, पानी इतना तो लगबे कर छी यार, पानी की जगह पर 6-9 साल पर पानी की जगह हो। ये बाढ़ का आता है कि बारिश का? क्या बारिश है के? बारिश का पानी? हाँ। कितना हो जाता है बारिश के? तो भर छाती रहले 2 फीट।
तो देखिए यहाँ ये लोग बता रहे कि कम से कम 2-2 फीट तक पानी बढ़ जाता है, ये लोग किस तरह से रहते होंगे? ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप इधर, छोटे छोटे इनके तो सर के ऊपर से गुजर जाता होगा पानी, वो ज्यादा है। क्या मतलब काम क्या करते हैं आप लोग? मैं कहते गरीब आदमी कौन काम करूँ, फिर भी मतलब खाने कमाने के लिए कुछ तो करते हैं। खाने कमाने के लिए अभी तो कुछ नहीं है। कोई मतलब महिलाओं के लिए कोई रोजगार कोई सिस्टम नहीं है सरकार? ना कोई नहीं है। किसकी सरकार है फिलहाल बिहार में? नहीं, अगर आपकी कोई समस्या है सरकार को बताना पड़ेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, RJD प्लस NDA जी। आपका क्या नाम है? शर्मा मत बोलिए। सोनू कुमार। सोनू, आप क्या करते हैं? राजमिस्त्री है काम। राजमिस्त्री मकान बनाते हैं? हाँ। लेकिन अपना मकान नहीं बना? अपना मकान लोगों का बना रहे हैं। लोगों का बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप क्यों शर्मा रहे हैं? आइए इधर आइए, बताइए नाम तो बताइए अपना। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्थिति है, यहाँ पर लगभग 2-3 फीट तक पानी भर जाता है। ये नल जो आप देख रहे हैं, ये नल हाँ पानी दे रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ तक ये पूरा डूब जाता है। अभी अगर ये डूब जाएगा और हम इसको चलाएंगे और यहाँ से पानी भरेंगे तो कैसे मतलब उसमें, वो तो मिक्स हो जाएगा ना, गंदा पानी भी और ये वाला पानी भी उसमें मिक्स हो सकता है। आप लोग हमारे आसपास घर मकान की भी स्थिति देख सकते हैं, यहाँ लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, पानी इतना भर जाता है, लोग कैसे सोते होंगे कैसे रहते होंगे, और उस पानी में गंदे पानी में कितने मच्छर पैदा होते होंगे, उस मच्छर से इन लोगों को मलेरिया तक हो जाता होगा। आइए हम और आगे भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप कम से कम नाम वोट निकल जाते जीत जाते तू कौन होता हम कौन होती नाम तो बताइए। मैं वोट लेने थोड़ी आया हूँ, मैं तो मीडिया से हूँ, मैं तो आप लोगों की समस्या दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ये सड़क है, सड़क रास्ता है ये घरों में जाने के लिए, उधर दिखाइए ये स्थिति है, आप लोग देख लीजिए ये स्थिति है सामने, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं वहाँ तक घर मकान ये सब चीज़ें जो बनी हुई हैं। यहाँ लोगों को रहने में बहुत सारी समस्याएं हैं, इधर भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब सरकार जो है लोगों को घर तक नहीं दे पा रही है। तो रोज़गार उन लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करना तो मुझे लगता है सरकार के लिए बहुत बड़ा काम है जी। आपका क्या नाम है? तपेश्री देवे। क्या पानी कितना भर जाता है? देखिए ना टट्टी के ऊपर आया है तो उसमें मतलब फिर कैसे रहते होंगे आप लोग? खाना जैसे बनाना है, बच्चे हैं छोटे छोटे, ये तो डूब जाते होंगे उसमें? रोड पर आते हैं मॉल झोपड़ी गार करके, यहाँ नहीं रह पाते ना, जब पानी सूख जाता है फिर आते हैं। हाँ, सरकार रोड रहा है तब लोग मैंने घेर दिया। तो इसके लिए सरकार से आप लोगों ने कुछ कहा? तनखो साधन नहीं है हम लोग सके। चैनल के माध्यम से कहिए कि नीतीश कुमार जी इस वीडियो को, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर देखिए और इन लोगों की समस्याओं को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर करिए। और क्या मतलब काम क्या करते हैं आप? लेबर मजदूर है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़का है 1 लड़की। क्या करते हैं? सब मजदूर करता है, लेबर में सब काम आता है लेबर। तो जब पानी भर जाता होगा तो मच्छर भी हो जाते हैं बहुत? जब बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं तो उसमें मलेरिया बुखार वगैरह बहुत? अभी भी बुखार है, अति करके बहुत दिक्कत होती है बहुत। तो देखिए इनका दुख दर्द आप लोग समझिए और आसपास जो भी अच्छे लोग हों इन लोगों की मदद करिए। गरीबी में जीवन जो है जी रहे हैं लोग, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार क्या यहाँ की सरकार गूंगी और बहरी है क्या? मतलब ना तो सुन रही है ना कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है, तो गूंगी बहरी है ना सरकार? गूंगी बहरी है या नहीं आप बताओ, सरकार गूंगी है या बहरी या दोनों? हम क्या बोलिए, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आपने वोट दिया है ना भाई, आपने वोट दिया तब सरकार बनी, सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, अधिकार है आपका, कोई कुछ नहीं कह सकता है। वो बात तो सही है, वो बात तो सही मैंने बोला। जब जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बुआ, कुछ ना करे कुछ ना। आपने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, बुखार से देर मैंने हम बुखार है आपको, दवाई लिए हैं? नहीं अभी, सवेरे खाए। दवाई आपको ले लेना चाहिए, सवेरे दवाई खाए हैं। तो आप कुछ आराम है? थोड़ा सा आराम है। इनकी तबीयत खराब है भाई, तबीयत खराब क्यों ना हो, आप लोग देख लीजिए आसपास इतना मतलब जो है दयनीय स्थिति है, ये स्थिति इन लोगों की बदलनी चाहिए। और आप लोगों से जो भी मदद हो, आपने आसपास जो लोग हों इनकी जो है आप लोग आकर के मदद करें। ये बिहार मुजफ्फरपुर जिला बीकानपुर गांव है, देखिए
जिला मुजफ्फरपुर स्टेट बिहार है और गांव ये भीकनपुर है। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ करते। ये जो कह रही हैं पानी सच में भरता है क्या? पानी भर जाता है यहाँ? हाँ भर जाता है। तो आपकी तो हाइट कम है, डूब जाते होंगे? यस। जैसे यहाँ से अगर सड़क पे जाना हो तो कैसे जाते हैं? पानी हेल कर जाते हैं, डूब जाते हैं बहुत। नाव नाव वगैरह नहीं चलाते? सब रहता है, चलाता है नाव, नाव पर आदमी से जाता है। नाव से आदमी जाता है? तो ऐसा मतलब हर साल होता है कि क्या? आता हर साल आता है पानी इस पर। हर साल पानी आता है? यस। इस बार नहीं आया है? इस बार नहीं आया, तो हर साल आता है पानी। अच्छा, तो इस बार लगता है कि मैं बिहार में हूँ इसलिए नहीं आया है थोड़ी है? हर साल पानी रहता जी माने रहता, हर साल पानी माने रहता है, इतना इतना माने घर समय रहता है। तो इस साल नहीं आया ना पानी? हाँ। इस साल हम आए इसलिए पानी नहीं आया। अच्छा, इस साल हम आ गए ना इसलिए पानी, डर गया पानी हमसे। डर गया कि नहीं? तो थोड़ा अंदर आइए, दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये थोड़ा घर दिखाइए, ये घर है ठीक है ये पूरा, और इधर दिखाइए ये घर है, और इधर देखिए ये घर। मतलब आप लोग स्थिति को समझो, स्थिति क्या है। ये बाथरूम है, ये आप देख सकते हैं सुलभ शौचालय है यहाँ है। सरकार ने बनवाया कि आपने खुद बनाया? ये कह रहे हैं कि हमने खुद बनवाया है। सरकार ना शौचालय बनवा रही है, ना घर बनवा रही है, ना रोजगार दे रही है, ना सड़कें हैं, ना घर में जाने के लिए रास्ता है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, ना महिलाओं के पास रोजगार है। वीडियो कर लीजिए, पहले गेट पे आता है, गेट बंद कर दिया। ये दिखाइए इधर, ये कह रहे हैं कि ये पहले गेट, ये आप देख सकते हैं लाइन बनी हुई है पूरी ये, और ये यहाँ पे ये पूरा गेट, इधर से इनका रास्ता था लेकिन ये जो है बंद कर दिया गया है। अब बंद होने की वजह से इधर पानी भर जाता है पूरा, तो पानी से इन लोगों को होकर के जाना होता है। ये नल पीने वाला पानी ठीक है? पीने लायक पानी है कि नहीं है? हाँ, है नल में। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम ननकी पासवान हुआ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? ये मेरा घर है। अच्छा, आपका घर है। तो ये बताइए अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मजदूरी करते, जुगाड़ कमाते हैं, ईंटा ढोते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? दो, एक बच्ची, एक बेटा, एक बेटी। बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या? नहीं, ये सरकार गरीब आदमी के पैसा कहां से पढ़ाएंगे? 50 का रुपया बंद है जो है कि स्कूल कह रही है हम शिक्षा फ्री देते हैं, पूरा चौपट कर दिया है। तब बच्चा लोग पढ़ाते हैं तब स्कूल का पैसा मिल रहा है, वो भी बंद हो गया। ना स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। मास्टर लोग आता है अपना बैठ के गपशप करता है, सरकार कोई खोज नहीं करता है। ये सरकार तो युवा विरोधी है, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है। न रोजगार दे रहा है, न स्कूल में शिक्षा मिल रहा है, न किसान को जो है कि विकास हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पार कर चुका है, डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, ये सरकार निकम्मा सरकार। जी जी, गरीब के मिट्टी तेल 70 रुपये लीटर हो गया है, डीजल दे रहा है डीलर। हाँ, और गरीब कहाँ से लेगा 70 रुपया से लेगा? मतलब इतना यहाँ पानी भर जाता है तो इधर जो मतलब जिलाधिकारी वगैरह है या जो भी है वो समस्या नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते। इधर का जो विधायक है सांसद कुछ नहीं, कोई सुनते कोई नहीं। तो ऐसे लोगों को आप वोट क्यों देते हैं? वोट क्या करें, मजबूरी कारण देना जाता है, फिर दे दिए हैं। वीआईपी का वोट है, देंगे। अब किसको वोट देंगे? सनी जी को देंगे, मुकेश सनी को देंगे। मुकेश सनी जी, उम्मीद है कि वो काम करेंगे। हाँ चलिए।